अब हम लोग एगो कागज का खिलौना जो कि कलाबाज या नट कहे नहीं जा बनाई जाए, जो आपके उंगली के इशारन पे नाची। एकरे लिए आपके कार्ड पेपर, झाड़ू का कांडी, गोंद, स्केच पेन, कैंची और धागा लगी। अब कार्ड पेपर लेके ऊपर ओके आधा मोड़ के मॉडल भेल हिस्सा पे शरीर और कंधा बना लेवे, और न मॉडल भेल हिस्सा पे पाँव और हाथ बना लेवे। अब आकार बनाए भेल हिस्सा के कार्ड पेपर पर से काट लें। आप देख सकेला कि आपका शरीर और कंधा दो भाग में हवे, जबकि पाँव और हाथ एक भाग में हवे। अभी सब हिस्सा पे जहाँ पर बिंदु हवे वहाँ पर एगो सुई के द्वारा रबर पे रख के छेद कर लें। अब दो भाग वाला शरीर को जोन हिस्सा हवे ऊपर गोंद लगा लें, और आधा भाग पे जोन काड़ी हवे ओके लगा दें। अब कंधा और हाथ लें। कंधा जोन दो हिस्सा में मुड़ल भइल हवे ओकरे बीच में हाथ के रख के एगो धागा सुई के द्वारा अंदर डाल दें, और दोनों तरफ एक एक गो गांठ मार दें। एकरे वजह से अब हाथ कंधा के बीच में घूम सकेला। यही तरह दूसर कंधा और हाथ भी तैयार कर लें। ऊ भइले के बाद कंधा के लेके शरीर का जोन हिस्सा हवे जिनमें हम लोग कांडी बना के लगे ले जा ओकरे अंदर सुई और धागा के द्वारा बांध दें। एक साइड पे गांठ हवे, दूसर साइड का गांठ बांध सकेला। यही तरह आप दूसर कंधा भी लगा सके नहीं जा, और नीचे दोनों पांव लगा सके नहीं जा। अब अपन कलाबाज या नट तैयार हुए। आप देख सकेला कि उकर हाथ और पांव सब हिलत हूँ और सब हिलियाँ घुमैले पे। अब ये कलाबाज पे अपने मनचाहा आकार या चित्र या डिज़ाइन आप बना सके नहीं जा। अब आपका कलाबाज नाचे खातिर तैयार हुए। एक आप घुला एक अगर एक घुमैबा तो हाथ और पांव ऊपर नीचे हिलियाँ। यही तरह आप अलग तरह का और कलाबाज बना सके नहीं जा। यही तरह एकर एगो दोस्त ही है जोन हम लोग बनाई ले हैं जा, ये भरतनाट्यम कर सकेली। आप देख सके ना एकर आकार कैसन हवे। अब आप देख सकेला कि कलाबाज कांडी हिलैले पे कित तरह अच्छा से नृत्य करत ही है, बहुत अच्छा से भरतनाट्यम करत ही है।